आई होप यू ऑल आर फाइन. टेक आउट योर साइंस कॉपीज. टुडे वी विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. पुराना काम मैं आपको रिवाइज करती हुई चलूँ. कल हमने ट्रू फॉल्स किए थे. आज जब हम डायग्राम टर्न लेंगे तो हमारा ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा. इसका रिटर्न वर्क फिनिश हो जाएगा. ठीक है. आई होप आप लोग साथ साथ काम करते रहें और आपका काम कंप्लीट है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ग्रुप पे पिक्चर शेयर कर रही हूँ. रेडी द पेज लाइक दिस एंड राइट डाउन द क्वेश्चन. ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. टुडे वी विल मेक द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. हरी अब राइट डाउन द क्वेश्चन. शाबाश. राइट डाउन द क्वेश्चन. ओपन योर कैमराज. शाबाश. ओपन योर कैमराज. यस. सी आइडिया. सब आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी. अहमद मुर्तज़ा, आपने क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं किए बच्चे? आप तो क्लास ले रहे हैं ना, और मैं तो ग्रुप में पिक्चर्स भी सेंड कर रही हूँ. अच्छा, अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो वहाँ पर पिक्चर्स हैं, वहाँ से ले लें. मैंने ग्रुप में सारी पिक्चर्स सेंड की हैं. Ready the page like this. Write down the date. Date and day. Tuesday. Right here, flower. Yes, Marwa. पहले आप देखिए मैं डायग्राम कैसे बना रही हूँ, उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है. ओके, जब आपको समझ आ जाए तो उसके बाद बना. सबसे पहले हमने लीफ सॉरी फ्लावर का आउटर एरिया बनाना है लाइक दिस. फिर बाद याद रखिएगा कि दोनों साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, लाइक दिस. उसके बाद यहाँ से पहले आपने ज़रा लाइट लाइट बनाने, ताकि अगर कोई मिस्टेक है, कोई इशू है तो वो ना रहे, वो आप जब मिटाएं तो वो नीचे से विजिबल ना हो. After this you have to draw. सारी ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ. बच्चा आप डायग्राम पे फोकस करें, ये किस तरह डायग्राम बनानी है. See, you have to draw a flower like this. It is also drawn in your textbook also.
आई होप अब आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। फाइन ठीक है। ओके जी, नाउ ड्रा द डायग्राम ऑफ फ्लावर लाइक दिस। ओके जी ठीक है बच्चे, सही है। ये आउटर एरिया है, इसके अंदर अब हम बनाएंगे पिस्टल। देखिए मैं पिस्टल कैसे बना रही हूँ। सी दिस, अब इसके अंदर हम बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे स्टेमन। आपकी मर्जी, आप पिस्टल ऐसे बनाएं और ऐसे भी बना सकते हैं। इसको फुल कवर कर दें लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद आपने बनाना है स्टेमन्स। योगी बच्चे, आई हैव ज़ूम द पिक्चर। This is a flower. It is also present on page number 3 on your textbook. आप वहाँ से भी देख के बना सकते हैं अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो। ठीक है, इसका मिडल वाला पार्ट मैं आपके लिए दोबारा ड्रा करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, अगर आप इसको बिल्कुल पतला रखो, बिल्कुल स्ट्रेट ला के ऐसे कर लो। दिस इज ऑल्सो अ वे। आई होप जो आपके लिए इजी हो आप वो आपने वही बनाने। ठीक है, अब इसके बाद स्टेमन्स बनाने। शाबाश, देखिए हाउ आई एम ड्राइंग। आई होप आपको समझ आ रही होगी। आफ्टर दिस आपने क्या करना है, आपने लेबलिंग करनी है। लेबलिंग कैसे करनी है, विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर। दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर विच वी कॉल्ड पेटल। दीज आर स्टेमन्स। ठीक है, एंड दिस वन इज पिस्टल। ठीक है, आप लेबलिंग कर लें। लाइन ड्रॉ करनी है ताकि नीट आए। फर्स्ट वन इज पेटल, PETAL पेटल। अनदर वन इज स्टेमन, STAMEN स्टेमन। एंड द लास्ट वन इज पिस्टल, PISTIL पिस्टल। जब आप बना लेंगे उसके बाद आप इसकी आउटलाइन करेंगे, इसकी शेडिंग करेंगे।
इसके आउटलाइन के लिए आप ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं। कलरिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू डू द आउटलाइन। मार्कर से हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी, आप बना रहे होंगे। काइंडली आप बनाने स्टार्ट करें एंड देन डू द लेबलिंग एज वेल। काइंडली टर्न ऑन योर वीडियोस, कैमरा ऑन करें बच्चे, ताकि आप मुझे विजिबल हों। ओके जी, आई होप आपको समझ आ रही होगी। व्हाई योर कैमरास आर ऑफ, ऑन योर कैमरास बच्चे ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, ठीक है, आप आउटलाइन कर लेंगे तो इट विल लुक नीट। आफ्टर दिस आपने क्या करना है, आपने लाइट सी शेडिंग करनी है। आपने विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आपने क्या करना है, यू हैव टू डू अ शेडिंग। कहाँ पे शेडिंग करनी है आपने, इन द पिस्टल, पिस्टल पे आपने लाइट लाइट सी शेडिंग कर देनी है, हल्का सा लाइट सा पेंसिल से कलर करना है। यू डोंट हैव टू यूज द पेंसिल कलर्स, पेंसिल से ही करना है, डोंट नीड टू डू द कलर। Like this. It is visible to you. मैं जैसे कर रही हूँ आपने भी उसी तरह करना है। इसको फुलफिल नहीं करना, अच्छे कलर से, सॉरी पेंसिल से अल्ट्रा अल्ट्रा सा बस शेडिंग करनी है ओनली इन द साइड्स। इसको फुलफिल नहीं करना ओके, क्योंकि हमने पिस्टल को भी फुलफिल किया है तो ऐसे ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ओके जी, आई होप आपको सब समझ आ रही होगी।
शेड कर के इसको फिर थोड़ा सा बराबर कर दें ताकि ये इक्वल इक्वल लगे, ठीक है। एंड दिस इज डन। आई होप आपको समझ आ रही होगी कैसे करना है। ओके जी, क्लास टाइम इज़ अबाउट टू ओवर। इंशाल्लाह ताला कल से हम रीडिंग करेंगे, अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।